आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरोहा में, जहाँ सीरत उन नबी वुमेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों ख्वातीन शामिल हुई हैं। ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं मुस्लिम कमेटी, जो 70 साल पुरानी है और 4 साल पहले इन्होंने अपनी वुमेंस विंग की शुरुआत की। आज की कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है गर्ल्स एजुकेशन और जहेज। आज के ज़माने में भी लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी और हमेशा से था, और तालीम आज के ज़माने में जो दो हिस्सों में बांट दी गई है, एक दीनी तालीम और एक असरी तालीम, मैं इसके कायल नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को दोनों तरह की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फलाह दारैन पा सकें, और फलाह दारैन उन्हें जब ही मिलेगा जब वो दीनी तालीम से भी आरास्ता हों और दुनियावी तालीम जिससे कि उन्हें खुद मुख्तारी मिल सके, इसके भी तमाम उनके पास असलहे मौजूद हों और वो एक अच्छी ज़िंदगी भी जी सके और आकबत भी वो अपनी संभाल सके। कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो तालीम से दूर हो जाए। आज का मौजू तालीम की ज़रूरत, ख़वातीन और बच्चियों की किस तरह तरबियत की जाए, इस एतबार से बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर में ऐसी तकारीब होनी चाहिए जिसमें ख़वातीन के एतबार से बेहतर मैसेज जाए। ये याद रहे कि उम्मुल मोमिनात हज़रत खदीजतुल कुबरा, जो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आई और वो पहली खातून थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र थी, लेकिन बताना ये था कि हम सब माओ की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा, हम सब माओ की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनके लिए आका ने फरमाया कि अगर इल्म सीखना हो तो आयशा के दर पर जाओ। मैं गुज़श्ता 3 साल से इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती आ रही हूँ और माशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस रहती है, और हमारा मकसद ये है कि लेडीज़ को हम हर तरह से तालीम याफ्ता करें, हर तरह से उनको जो आजकल सोशल पर समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हम ये तालीम दें कि वो अपने डिफेंस में बोले, मतलब अपने बारे में सोचें और अपनी तालीम और अपने उससे ज़्यादा देश का नाम रोशन करें, और वो जितना हो सके देश को में मुसलमानों को आगे बढ़ाएं। और ज़्यादातर ये होता है कि हमारी यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो घरों में ही कैद कर ली जाती हैं, और लेकिन अब आजकल माशाल्लाह जितनी तालीम और उसके ज़रिए लड़कियों को आगे बढ़ाना, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को आगे अच्छी तालीम अच्छी एजुकेशन देकर आगे। थैंक यू। आज ये 10वां प्रोग्राम मुस्लिम कमेटी अमरोहा के शोबे ख्वातीन की जानिब से एम्ब्रोप्लेस में मुनक्किद किया गया है, और इसका मेन मकसद यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जहालत का दौर था, बहुत बुरी हालत थी दुनिया की। आपने तशरीफ़ लाए और जहालत के अंधेरों को अपने इल्म के नूर से आपने दूर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी तालीम मर्दों की ज़रूरी है उतनी ही औरतों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मर्द अगर रोज़ी रोटी से जुड़ता है तो औरत उसको अपने तालीम से बरोए कार ला सकती है, उसके हुनर को, और उसको इस काबिल बनाती है मर्द को कि वो रोज़ी रोटी से जुड़े। क्योंकि अगर एक लड़की या एक माँ तालीम याफ्ता होगी तो पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होगा। इसलिए आज के जो कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ इसीलिए रखी गई है कि औरतों के अंदर तालीम के मामले को आम किया जाए और उनको तालीम की अहमियत बताई जाए। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आजकल सभी की नीड है, बट जैसे कि हमारे माशरे में हम देखते हैं कि किस तरह लड़कियों पे तशद्दुद होता है, लड़कियाँ शादी के बाद उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़े लिखे ना होने पर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं और इस तरह उन्हें अपने ससुराल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो उसको प्रॉब्लम फेस करने इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना अपने लिए स्टैंड ले पाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। आजकल जैसे हम देखते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फैमिलीज हमारी बोलती हैं कि नहीं एडजस्ट करो एडजस्ट करो, एडजस्ट करना ठीक है बट एक लेवल तक, लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। मुस्लिम कमेटी अमरोहा की जानिब से
मुस्लिम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद साल से किया जा रहा है और इसमें कोई मुबालगा नहीं कि जो जुलूस जो कॉन्फ्रेंसेस यहाँ होती हैं इस हवाले से पूरे हिंदुस्तान में इस एहतमाम से नहीं होती। और इस कॉन्फ्रेंस में तीन उनवान दिए गए हैं कि मौजूदा समाज में तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं, आज मुस्लिम लड़कियाँ तालीम के मैदान में बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन तरबियत की कमज़ोरी की वजह से कुछ ना कुछ खामियाँ ऐसी हैं कि समाज की जो तरक्की हैं वो रुकी रहती हैं। दूसरी बात यह है कि समाज में बेदारी कम है। उनवान यह है कि तशद्दुद, जहेज के सिलसिले में लड़कियों के साथ इतना तशद्दुद है कि अगर देखा जाए तो कोर्ट्स के अंदर मुस्लिम खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसे देख के अफसोस होता है। तो मुस्लिम कमेटी ने इन तमाम बातों को देख के ये कदम उठाया और ये उनवानात रखे ताकि हमारे समाज की तरक्की हो सके और ये जो हमारे यहाँ गलत किस्म की रिवायतें हैं ये ख़त्म हो सकें। हमारे जो मुस्लिम कमेटी है वो पिछले कई सालों से जो है ख़वातीन कॉन्फ्रेंस करा रही है और मुस्लिम कमेटी का मकसद यह है कि जलसे और जुलूस जो मर्दों के होते हैं वो तो होते रहते हैं, लेकिन ख़वातीन के इस तरह के प्रोग्राम जो है वो कम होते हैं। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि औरतें जो हैं वो कई नस्ल उससे सुधर जाती हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि औरतों को इस तरह की तालीम दी जाए और तरबियत दी जाए कि वो अपने जो है वो कई नस्लों को सुधार कर सकें। तो हमारी कई सालों से ये बड़ी कामयाब प्रोग्राम रहता है। बिल्कुल, हाँ, तालीम के साथ अच्छी तरबियत तो इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि एक कोई भी पैकेज होता है। देखिए, तालीम तो सिर्फ एक इल्म है, एक मालूमात है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, किस तरह से उससे खुद को बेहतर बनाना है, यू नो, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और फिर ये कि किस तरह से उससे अपने समाज को, अपने ख़ानदान को और अपनी पूरी कम्युनिटी को बेहतर बनाना है, तो ये तो हमें तरबियत के ज़रिए ही मिलता है। तो मैं कहूँगी कि तालीम बग़ैर तरबियत के एक ऐसे इंसान के हाथ में दी गई बंदूक है जो नहीं जानता कि इसे सामने करके चलाना है या पीछे करके चलाना है। ऐन मुमकिन है कि वो उस बंदूक को अपने ऊपर ही चला ले। आवाज़ दो वॉइस उन सभी जगहों पर पहुंचता है जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और ख़ासकर मुस्लिम वुमेन के बारे में। आज यहां अमरोहा में हम सीरतुलनबी कॉन्फ्रेंस में आए जहाँ लड़कियों की तालीम से लेकर जहेज़ की प्रथा तक पर बात हुई। ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आवाज़ दो वॉइस।